नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका मोहित टेक्निकल साइट पे। आज मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम्स थे। जैसे कि आपको पता ही है 10th के बोर्ड के एग्जाम्स आपके कैंसिल हो गए हैं, NIS बोर्ड के एग्जाम्स जो है 10th क्लास के कैंसिल हो चुके हैं, उनका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी डिक्लेयर हो सकता है। और साथ में आपके जो 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही जल्द निकल कर आएगी। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इससे साफ पता चलता है, क्योंकि एक लेटर है जो इधर उधर घूम रहा है, एक डॉक्यूमेंट है, जिससे ये साफ पता चलता है कि आपके जो 12th बोर्ड के एग्जाम्स है वो भी कैंसिल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके और उनको भी ये पता चल सके कि हाँ, हमारे एग्जाम जो है क्लास 12th के वो बहुत ही जल्दी कैंसिल होने वाले हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और जैसे कि आपको पता है, मैं CBSE की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ NIS की इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूं, क्योंकि CBSE का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है NIS पे। अगर CBSE के एग्जाम्स कैंसिल होते हैं तो NIS के भी उसी से रिलेशन में साथ में कैंसिल होंगे, ये खबर पक्की है, क्योंकि CBSE का काफी ज्यादा असर पड़ता है NIS के बोर्ड एग्जाम्स पर। तो जैसे ही CBSE के कैंसिल होंगे तो NIS के भी वैसे ही कैंसिल होने वाले हैं एग्जाम्स आपके। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था कि जैसे ही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, आज 30 मई आज की डेट की इन्फॉर्मेशन है, और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है CBSE जो है मार्क्स दे सकती है 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स के हैं उनके मार्क्स दे सकती है कि लास्ट 3 ईयर्स के जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस रही है उनके बेस पे आपके मार्क्स CBSE दे सकती है। तो वो कैसे देगी, आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी गई है इन्फॉर्मेशन में। और साथ में मैं आपको बता दूं कि कैसे मैं प्रूफ के साथ कैसे कह सकता हूँ कि आपके जो 12th के बोर्ड के एग्जाम्स है वो भी कैंसिल होने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम की इन्फॉर्मेशन है वो 1 जून को आ सकती है, सेंटर्स के थ्रू आ सकती है, CBSE बोर्ड के थ्रू आ सकती है। 1 जून को सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी, जो भी आएगी आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड, आपके कुछ एंट्रेंस टेस्ट है उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी। और जहां तक ये कंफर्मेशन है कि आपके जो 12th बोर्ड के जो एग्जाम्स की कैंसिलेशन की न्यूज है वो ज्यादातर आ सकती है। और मैं आपको ये चीज दिखा दूं कि जो 27 मई को एक डॉक्यूमेंट जो है इधर से उधर घूम रहा है, उस लेटर हेड में लिखा हुआ है, लेटर हेड किसका है, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, उस लेटर हेड में लिखा हुआ है कि आपके जो बोर्ड ने ये कहा है कि डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दे। डेटा किस चीज का कलेक्ट करना शुरू कर दे और किससे कहा है, स्कूल को कहा गया है कि वो स्कूल जो है अब डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दे जो एवरेज मार्क्स होते हैं सब्जेक्ट्स के, जो भी क्लास 11th और जो वेरियस एग्जामिनेशन में क्लास 12th वाले बच्चों ने, अभी जो क्लास 12th के बच्चे हैं उन्होंने स्कोर कर रखे हैं और इंटरनल मार्क्स जो है उनको मिले हुए हैं क्लास 12th बोर्ड के, तो वो जो है इकट्ठा करना चालू कर दे ताकि उनके बेस पे उन्हें जो है आगे मार्क्स मिल सके। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। जब CISCE से पूछा गया तो उन्होंने ना तो ये कन्फर्म कहा कि ये हमारे लेटर हेड है और ना ही इसको डिनाई करा, लेकिन जो स्कूल्स वाले हैं इसको कन्फर्म करते हैं कि हाँ, इन्हें ये लेटर मिला है CISCE की तरफ से कि उनके जो एग्जाम्स के जो मार्क्सशीट है, जो एवरेज मार्क्स है वो कलेक्ट करना चालू कर दे क्लास 12th बोर्ड के लिए, और जो उनके जो एग्जाम्स हैं वो कैंसिल करने की पूरी पूरी तैयारी चल रही है। तो इससे ये साफ पता चलता है जो लेटर हेड निकल कर आया है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से दिखा रहा हूँ, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल छपा हुआ है उसकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दिखाऊंगा कि यहाँ आपको लगेगा कि अभी जो क्लास 12th बोर्ड की जो एग्जामिनेशन की कैंसिलेशन की न्यूज़ है वो बहुत ही जल्द आ सकती है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है कि जो डेटा आपका कलेक्ट करना चालू कर दिए गए हैं, पिछले 3 साल के जो मार्क्स हैं आपके एवरेज जो है निकालने चालू कर दिए गए हैं स्कूल की तरफ से, तो इससे साफ पता चलता है कि आपके CBSE के 12th बोर्ड के एग्जाम जो है कैंसिल हो सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं जो है ना उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे ही क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम CBSE के कैंसिल होते हैं पिछले साल की तरह, वैसे ही NIS के 12th बोर्ड के एग्जाम्स भी कैंसिल होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है जो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यूज आने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में जो कैंसिलेशन की जो न्यूज चलेगी, अभी जो बातें होने वाली हैं वो 31 मई को होंगी। तो ये जो पैंडेमिक की वजह से जो आपके एग्जाम्स जो है कैंसिल होने वाले हैं, 31 मई को जो आपका डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ले लेगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी ऑथेंटिकली दिखाई, जो बोर्ड एग्जाम्स है उन्होंने ये कह दिया है कि आपके जो डेटा जो है एवरेज मार्क्स के वो कलेक्ट करना चालू कर दिया जाए, उससे ये साफ पता चलेगा कि आपके जो एग्जाम्स है अभी कैंसिल होने लगे हैं। और साथ में जो ये है NSUI जो है इन्होंने भी ये प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया गया है कि पहले जो क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल कराए जाए, और कैंसिल करा अगर आप चाहते हैं कि उनका एग्जाम्स कराए जाए तो उनको जो है पहले वैक्सीनेशन लगाई जाए और साथ तब उनके जो है एग्जाम्स जो है कराए जाए। तो ये सारी
काफी सारी चीजें जो है स्टेट बोर्ड्स ने भी कही हैं कि सबसे पहले जो हमें एग्जाम्स कराने से पहले उनको जो है वैक्सीन लगा देनी चाहिए और उसके बाद ही उनके जो 12th बोर्ड के एग्जाम्स है वो कराने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सब ने ये कहा है कि पहले वैक्सीन लगानी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि जो डिसीजन को लेकर, जो फाइनल डिसीजन को लेकर क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर काफी सारी कंसल्टेशंस करी है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट जो है काफी सारे लोगों से पूछ रही है, काफी सारे सोर्सेस से पता कर रही है कि एग्जाम जो है कैंसिल होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। अभी ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है अभी जो आपको मैंने दिखाई, अभी करंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैंने प्रूफ के साथ दिखाई, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जितनी भी अपडेट्स हैं आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, चाहे वो एग्जाम कैंसिलेशन से हो, चाहे आपके एग्जाम डेट से हो, और आपके जो NIOS के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा ये सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पर बताता रहता हूं। और जो आपके क्लास 10th के जो रिजल्ट आने वाला है वो किस बेस पे, मतलब कैसे जो TMA के मार्क्स लगे हैं उनके बेस पे कैसे आपका रिजल्ट जो है बन सकता है, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आने वाली वीडियोस में देता रहूंगा। तो प्लीज से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।